Ladies and gentlemen, are you ready? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित विश्वास, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो दोस्तों, आप सबके इतने डाउट रहे कि सर यूपी में हम कौन से कॉलेज ले, प्राइवेट बीएमएस कौन से नहीं ले। तो यार सही है, डाउट आपका भी सही है, क्योंकि यूपी में देखिए तो 60 बीएमएस प्राइवेट कॉलेज और 60 में एक चुनना बीएमएस प्राइवेट कॉलेज मुश्किल काम है। तो चलिए, मैं आपकी इस मुश्किल काम को आसान बनाने आ गया हूं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो की स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू चूज बेस्ट बीएमएस कॉलेज। उस वीडियो को देखने से आपको यह बेनिफिट हो जाएगी कि हम कैसे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की कैसे चूज करते हैं। तो आई बटन पे लिंक आ रही है, आप उस वीडियो को अभी वॉच कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे रिसर्च किए, मैं अपने दोस्तों से भी बात किया कि कौन सा कॉलेज सही है जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मैं रिसर्च किया, मैं नेट का भी हेल्प किया। तो मैंने उस 60 कॉलेज में से 10-12 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट किए जिसमें आप पढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, हाँ कोई डर नहीं रहेगा, अच्छी कॉलेज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ। तो दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किया है बेस्ट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज यूपी में, तो चलिए देखते हैं वन बाई वन। तो हमारी लिस्ट में पहली आती है कॉलेज गंगासिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बरेली में, जो कि बहुत अच्छी कॉलेज है। एंड सेकेंड नंबर पे आती है विवेक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बिजनौर में है। और थर्ड में कॉलेज आती है वैद्यक दत्त शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खुर्जा में है, बुलंदशहर में, जिसमें कि मैं पढ़ता हूँ। और फोर्थ बात करें भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। और फिफ्थ बात करें कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कासगंज। और सिक्स बात करें कॉलेज की तो मेजर एस डी सिंह फरुखाबाद, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उसका। और सेवेंथ बात करें श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी, जो कि काशी विद्यापीठ से एफिलिएशन है उसका। और आठवें कॉलेज की बात करें तो जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि वाराणसी में ही है। और नौवें कॉलेज की बात करें तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मथुरा में है। और दसवें कॉलेज की बात करें तो सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ में है। और ग्यारहवें कॉलेज की बात करें तो एनकराइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ में स्थित है। और बारहवें कॉलेज की बात करें तो श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ में है। और तेरहवें कॉलेज की बात करें तो महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ में स्थित है। तो दोस्तों, ये रहे यूपी की प्राइवेट बेस्ट बीएमएस कॉलेज की लिस्ट। तो दोस्तों, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में वही स्टूडेंट जाते हैं जिनके नीट में स्कोर कम होते हैं, जैसे 400, 300, 200 या तो जस्ट क्वालिफाइड होते हैं। दोस्तों, निराश होने की कोई बात नहीं, आप प्राइवेट से पढ़िए या गवर्नमेंट की, बात होती है कि मनी की। तो हाँ, प्राइवेट में थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, गवर्नमेंट में पैसे कम लगते हैं, बट एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्राइवेट बीएमएस के बच्चे भी आगे जाकर पीजी गवर्नमेंट निकाल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमारे मार्क्स से 150, 140, 120, तो क्या हमें प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन मिल सकती है। तो यार देखो, सीन समझो, सीन ऐसा है कि आप जस्ट क्वालिफाइड होंगे तो आप बीएमएस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 138 के एलिजिबल हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेने के लिए। और रही बात एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के, तो 108 मार्क्स पे आप एलिजिबल हैं बीएमएस प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए। तो आप घबराइए मत, एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ बीएमएस रिलेटेड काउंसलिंग वीडियो के लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। सिद्धार्थ, हो गया प्रमोशन, सबसे 5-5 लाख डिमांड करो कॉलेज को।